भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटानगर कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक राजेश गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविन्द्र रैना के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने स्वर्गीय राजेश गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शख्सियत पर बात की। लेकिन जीवन कैसे जिए ये हम सबको, काम करते हुए उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का ईस्ट मंडल का प्रधान नियुक्त हुए। हमारे कविंदर जी ने श्री राजेश जी को श्रद्धांजलि दी। मेरा पिछले 12 वर्षों में राजेश जी के साथ काम करने का मौका मिला। कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता कैसा होता है, ये उनके जीवन शैली से, उनके काम करने से ये दिखता था। हम जब जानते हैं कि 2014 से पहले हम हर दिन कोई ना कोई संघर्ष करते थे, ऐसा कोई दिन खाली नहीं होता था जिस दिन हम संघर्ष नहीं करते। किसी समय हम आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करते थे, किसी समय हम सरकार में जो भ्रष्टाचार उस समय हो रहा था उसके लिए संघर्ष करते थे, तो लगातार संघर्ष करते थे। और उन संघर्षों में राजेश जी की भूमिका क्या रहती थी? राजेश जी एक समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के थे, एक कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी के थे, एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता पार्टी के थे, एक संघर्षरत कार्यकर्ता पार्टी के थे। अपने लिए कुछ भी नहीं बताया अभी, और मैंने भी देखा अपने लिए कुछ नहीं, पार्टी के लिए सारा। हम जो बोलते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, वो चरितार्थ करके उन्होंने अपने जीवन में एक कम समय में 53 साल की उम्र में, और उसमें भी पिछले 20-25 वर्षों के पॉलिटिकल कैरियर में करके दिखाया। घर की कोई चिंता नहीं, घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चलेगा, इस प्रकार का मन में भाव लेकर वो काम करते थे। एकत्रित हुए हैं जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया, ये सभी की जुबान से निकला है, लेकिन हमने एक सच्चा मित्र भी खोया है। पार्टी में काम करते करते काफी वर्षों से, जब मैं जिला अध्यक्ष था, पहले मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे साथ युवा मोर्चा में काम किया, उसके बाद मैं पार्टी का उपाध्यक्ष था, पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, तो जिला अध्यक्ष के नाते उनके साथ बहुत देर तक काम करने का मौका मिला। कारपोरेटर बने तो एक मेयर के रूप में मेरे साथी रहे, विधानसभा में हम गए तो विधानसभा अध्यक्ष के नाते चीफ व्हिप के साथ लगभग रोजाना बात होती है। एक बहुत अच्छा ग्रुप था, सुभाष जंडियाल जी, श्रीमान शिव कुमार जी, ये मेरे जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उसके अलावा जिन साथियों के साथ भी काम किया उनके साथ हमेशा ही अपना सा लगाव। कई बार लगता है कि शायद वो हमारे बीच में ही, लेकिन ये सत्य है कि व्यक्ति चला जाता है, वापस नहीं आता। शरीर नश्वर है, मृत्यु सभी की होनी है, लेकिन असमय मृत्यु का होना कष्ट ही नहीं देता। एक ऐसे भंवर में आदमी को छोड़ करके चला जाता है, परिवार को, समाज को, और विशेष करके पार्टी को भी उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी अपूर्ति मुझे लगता है मुश्किल है।
For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.